इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाय हाय इलेक्शन कमीशन ऑफ जे एंड के हाय हाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाय हाय इलेक्शन कमीशन ऑफ जे एंड के हाय हाय हमारे मेयर साहब सौदाबाजी नहीं चलेगी सौदाबाजी नहीं चलेगी सौदाबाजी नहीं चलेगी सौदाबाजी नहीं चलेगी हमारे डिप्टी मेयर बचा है इसमें। देखिए जब पहले सेशन शुरू हुआ मैंने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, मैंने कहा विदाउट माय कंसेंट विदाउट माय अप्रूवल कमिश्नर साहब से जवाब हासिल करना चाहा कि आपने नोटिफिकेशन इलेक्शन की कैसे निकाली। उस जमन में वहाँ पे कुछ कॉर्पोरेटरों ने हंगामा भी किया और जब मैं यही पूछ रहा था कमिश्नर साहब से तो उन्होंने चीफ लॉ अफसर को बोला कि आप खड़े होके जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशनर का एक दस्तावेज भी आया है आप उस पर वजाहत कीजिए। कांग्रेस के कुछ कॉर्पोरेटर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम किसी को अलग वोट करेंगे, हम अपने जो अलग वोट है किसी को एक को ही डालेंगे, मगर वो व्हिप के खिलाफ थी। और जो ही वो उस निशस्त में एक कॉर्पोरेटर साहिबा ऐसी थी, उन्होंने एतराज़ जताया उस पर, उसने बोला कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, मैंने इस पर साइन नहीं किए हैं। कॉर्पोरेटरों ने मुदाखलत की, उन्होंने बोला, उन्होंने मुतालबा किया कि इस पर FIR होना चाहिए। बार बार हमारी ये रिक्वेस्ट नज़रअंदाज करके कमिश्नर साहब ने यहाँ पे फोर्स बुलाई और हमें फोर्सबली काउंसिल से बाहर किया गया। पुलिस ने कुछ कॉर्पोरेटर को यहाँ पे पीटा भी और मुझे भी पीटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे सिलेक्टिव मेयर बनाना चाहते हैं जिसके हम खिलाफ है। देखिए आपको पता ही है जब मैंने कोई कंसेंट नहीं दी, मैंने कुछ अप्रूवल नहीं दी, फिर भी ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, अफसोस की बात है। आप देखिए कांग्रेस के कॉर्पोरेटर यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हैं, हम एहतजाज पे हैं। आप देखिए पुलिस आई, कॉर्पोरेटरों के कपड़े फाड़े, मारा पीटा, बंदूक नहीं उठाई थी, हमने कोई पत्थर नहीं उठाया था। यहाँ पे ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्टिव मेयर बनाना चाहते हैं, वही सिलेक्शन ऊपर हो रही है। जी वहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बीच में पुलिस वाले आए और फिर हमको मारा, लेडीज को मारा, मातियों को मारा, लेकिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे कांग्रेस वाले हैं और बीजेपी को उनको व्हिप निकली है। हमारा एक उन्होंने एक लॉन्ग साइन किया था हमारे कॉर्पोरेटर का, उसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो आए और मार पीटा हमारे लोगों को, लेडीज को भी वहाँ पे मार पीटा। लेकिन अगर इनको मेयर बनाना है, सिलेक्टेड मेयर बनाना है, तो ये अमूमन बैठे हैं सिलेक्टेड मेयर बनाए, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करेंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं। वो वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस नहीं, कांग्रेस है वहाँ पे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं बता दी गई कि कोई व्हिप है या है, सिर्फ एक कागज पड़ा गया कि कांग्रेस का स्प्लिट होगा, 11 वोट अलग है जो नई अमेंडमेंट के हिसाब से 2/3 की मेजोरिटी जब काउंसिल अलग पार्टी बनी। तो चूंकि कांग्रेस का सपोर्ट मेरे पास था तो ये जब इन्होंने नाम पढ़े, हम में से एक दो कॉर्पोरेटर्स उठे जिन्होंने बोला कि ये गलत है, हमने दस्तक नहीं किया है, ये फ्रॉड है। तो जब ये पता चला कि ये फ्रॉड है ये दस्तक सारे, तो हमने इस बारे में चीफ व्हिप साहब ने इन्होंने शोर उठाने के बाद इन्होंने पहले तहसीलदार शहर SDM साहब आए, डिस्कशंस चले। पहली बात ये है कि जब हम आए इलेक्शन के लिए, नोटिफिकेशन हमें पता चला कि जो एक्टिंग मेयर है उन्होंने नहीं निकाली है, तो उनके बगैर एक्ट के हिसाब से किताब है वो निकलनी चाहिए थी, वो नहीं निकली। उसके बाद जब इन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट करने, डेमोक्रेटिक राइट है, उसके बाद पुलिस ने हम सबको घसीट के बाहर निकाला। अब हम सबको घसीट के बाहर निकाल के कह रहे हैं कि हम एब्सेंट हैं। अगर ऐसा कुछ करना था हमें डायरेक्टली बोलना था, हम फॉर्म नहीं भरते। कल जो हमारे साथ बंदा परसों तक कैंपेन कर रहा था उसको पुलिस थाने बुलाया गया, मुझे पर्सनल हियरिंग ACB में कराई गई, हमें तो समझ ये आ रहा था। लेकिन आज आप सब के सामने ये जाहिर है, देखिए हम भी यहाँ पर हल्फ उठाया है आईने हिंद पर, हम कोई एंटी नेशनल नहीं है, हम भी यहाँ पर अगर हमने हल्फ उठाया है आईने हिंद पर, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम उसको गलत करेंगे, मतलब उसके साथ गलत करेंगे या दगा देंगे, तो हम अपने मजहब को दगा देंगे। हमने सिर्फ चाहा कि लेवल प्ले ग्राउंड के हिसाब से आप इलेक्शन कीजिए, आप बड़े ही साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन कीजिए। नोटिफिकेशन खुद ही निकाली जाती है, उसके बाद इलेक्शन कराए जाते हैं और उसमें हमें घसीट के बाहर निकाला जाता है। अगर कैंडिडेट्स को और उनके सपोर्टर्स को आप घसीट के बाहर निकालोगे और उसके बाद इसको इलेक्शन
बोलोगे, सिलेक्शन नहीं बोलोगे, तो इसके सिवा मैं आप लोगों को क्या बोल सकता हूँ? ये नहीं जानता कौन सी पार्टी है, क्या मजबूरियां हैं। मैं ये जानता हूं कि अगर इलेक्शन का तरीका, तौर तरीका यहां पर यही है, हमें बताइए, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सिलेक्शन अगर मेयर अपॉइंटेड करना है तो इलेक्शन क्यों करना है? इसको सीधे अपॉइंटेड कीजिए, जैसे आप एडवाइजर्स वगैरह, आज की डेट में यूटी है, हमने एक्सेप्ट किया यूटी को, हमने तो कभी नहीं अपने मुल्क के खिलाफ बोला, हमने तो कभी नहीं अपने झंडे के खिलाफ बोला। अब हमारा झंडा स्टेट का नहीं रहा, हमने तो एक्सेप्ट ये झंडा भी किया यूटी, हमारे आम कश्मीरी की आवाज ये है। लेकिन हमें ये बताइए, क्या ये 87 रिपीट करना चाहते हो आप? क्या जो गलतियां हुई हैं वो आप दोबारा करना चाहते हो? हम तो आगे बढ़े थे, हम तो काफी आगे बढ़े थे। मैं इतनी अपील करना चाहता हूं, क्या हम यहां पर मिलिटेंट थे, हमें घसीट के बाहर निकाला गया? क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि विद वेपन? आप देखिए, मेरा एक अजीम साथी है माजिद चूलू, उसके वो जख्मी हो चुका है, यहाँ पर शाहिना जी जख्मी हो चुकी है। उसके बाद जबरदस्ती वोटिंग चालू की गई, न प्रोसीजर बताया गया, न फोरम है। बाकी अल्लाह ताला को पर ये वाजिया करेंगे। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। जो करना चाहते थे ये हमने देख लिया, अब हम इसके सिवा क्या, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। विल राइट, विल गो टू द कोर्ट, दैट इज ऑल। Thank you.